तो भाई लोग फाइनली एनिमल का टीजर आज ऑफिशियली यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है। और पहले तो भाई रणबीर कपूर को अपने बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई उनका आज जन्मदिन है और एनिमल की टीम ने एक अच्छे सा टीजर ड्रॉप कर दिया सुबह 10 बजे। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया, इसमें बता रहा हूँ इट हैज़ अ वेरी बिग पोटेंशियल। ये फिल्म में पोटेंशियल है कि भाई 600-700 करोड़ तो मतलब मजाक जैसा हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का बजट है 100 करोड़ ही। तो इसकी टीजर को देख के लगता नहीं है भाई 100 करोड़ का होगा। जैसे कि KGF 2 का भी ज़्यादा बजट था, लेकिन उन्होंने बोला था कि कुछ इनकम टैक्स की वजह से उन्होंने ज़्यादा अपना बजट नहीं दिखाया। ठीक है, तो फिर क्या पता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई 100 करोड़ तो ठीक है चलेगा, क्योंकि ऐसी मासी फिल्म्स के लिए 100 करोड़ कुछ भी नहीं है। छोड़ो, इस पर बात नहीं करेंगे। सभी को अगर हम टीजर की बात करें तो पर्सनली मुझे टीजर बहुत ही पसंद आया, और टीजर को देख के लगता है कि जो अनिल कपूर और जो हमारे रणबीर कपूर है वो दोनों की बिगड़े रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जो कि पर्सनली अच्छा ही था। ठीक है, तो कुछ नया देखने को मिला। और जो देखो अनिल कपूर जो बार बार जो रणबीर कपूर को सता रहे थे, मतलब मार रहे थे, और तरीके से हमें बताया गया, और उसको जो कि बहुत ही बड़े वाले घर लोग हैं, ठीक है, जो कि अमीर वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम अमीरी वाली, जो जहाँ पे किसी भी की कमी नहीं है। ठीक है, और अनिल कपूर मुझे लगता है बहुत ही गुस्से वाले इस फिल्म में दिख रहे हैं, और उसकी जो एक्टिंग चुम्मे छोरी भाई कमाल है। बॉबी देओल की भी एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई, जो टीजर के एंड में था चुम्मे छोरी भाई। और अगर देखो ऐसा भी लगता है कि क्या पता रणबीर कपूर अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहते, जो कि बुरे तरीके से हमें बताया गया, जो ब्रूटल मर्डर सीन्स चुम्मे छोरी भाई। सच में बता रहा हूँ, ये फिल्म के लिए 600-700 तो खिलौने जैसा होगा भाई पार करना। ठीक है, मुझे लगता है 2 वीक या 1.5 वीक में ही हो जाएगा। इस टीजर का अगर हम मुझे बेस्ट सीन पूछोगे तो भाई कॉरिडोर वाला सीन चुम्मेश्वरी लाजवाब, क्योंकि इसके पहले जो प्री टीजर आया था उसमें भी हमें वो थोड़ा सा क्लिप दिखाया गया था, जो कि भाई कमाल का था। ठीक है, और ये वाला तो चुम्मेश्वरी, जो कि भाई मतलब बंदूक लेके मतलब कुछ बड़ी सी चीज़ उन्होंने ठोक ठोक के निकाली भाई, वो सीन बैड ऐसे एकदम। रणबीर कपूर भी एकदम बैड ऐसे दिख रहे हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। और संदीप वांगा रेड्डी ने थोड़े साल पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई कबीर सिंह तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो एनिमल आ रहा है जो भी सबका बाप होगा, इसमें वॉयलेंस और भाई चुम्मेश्वरी। मुझे तो भाई वेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी, 2 महीने पहले ही उन्होंने टीजर ड्रॉप कर दिया। पब्लिक के लिए हाइप बढ़ाने के लिए क्या कहने करेंगे, फिर थोड़े कुछ गाने आएंगे, अभी ट्रेलर आएगा तो पता चल ही जाएगा कि अगर ट्रेलर छोटा सा होगा तो ही मचाएगा भाई देखने, क्योंकि देखो पहले प्री टीजर आ गया, अभी टीजर आ गया, और टीजर 2.5 मिनट के आसपास है। ठीक है, देखेंगे अभी। बाकी तो इस फिल्म का बजट है 100 करोड़, छोटा सा ही है, टीजर को देख के लगता नहीं है 100 करोड़ का बजट होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। ठीक है, बाकी तो भाई इस फिल्म का जो जॉनर है वो गैंगस्टर और एक्शन सीक्वेंसेस मैसी वाला मासी वाला फिल्म मतलब हमें एक्सपीरियंस देने को मिलेगा, जिसको थिएटर में ही देखने जैसा होगा कि OTT पे आते जाते तो मजा किरकिरा हो जाएगा। और मुझे पता है भाई तुम लोग, ठीक है आई नो बहुत सारे लोग हैं जो कि इलीगली डाउनलोड करते हैं, लेकिन भाई इस फिल्म को देखना है तो थिएटर्स में ही जाना। ठीक है, मज़ा बहुत ही आने वाला है। ठीक है, बाकी तो भाई आपको कैसा लगा ये टीजर मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।